हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ट्रांसमिशन सेकंड के एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है ट्रांसमिशन। सेकंड पार्ट इसका, ट्रांसमिशन का फर्स्ट पार्ट पहले हो गया, ये है ट्रांसमिशन सेकंड पार्ट। और इसके एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, इन अ सिंपल प्लेनेटरी गियर सेट द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टॉर्क इज ऑलवेज द। एक सिंपल प्लेनेटरी गियर सेट में टॉर्क को बढ़ाने के लिए आउटपुट मेंबर हमेशा होता है। क्या होता है इसमें से आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है प्लेनेट कैरियर। तो प्लेनेट कैरियर होता है वो एक सिंपल प्लेनेटरी सेट में टार्क को बढ़ाने के लिए आउटपुट मेंबर होता है। प्लेनेट कैरियर इसका आंसर है। इन अ सिंपल प्लेनेटरी गियर सेट द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टार्क इज ऑलवेज द, इसका आंसर हो जाएगा प्लेनेट कैरियर। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सिंपल एपिसाइक्लिक गियर सेट द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टार्क इज इन रिवर्स इज ऑलवेज द। इसका मतलब है एक साधारण एपिसाइक्लिक गियर सेट में रिवर्स में टार्क बढ़ाने के लिए आउटपुट मेंबर हमेशा होता है। क्या होता है इसमें, इसका आंसर है रिंग गियर। रिंग गियर एक साधारण एपिसाइक्लिक गियर सेट में रिवर्स में टार्क बढ़ाने के लिए आउटपुट मेंबर हमेशा रिंग गियर होता है। तो क्वेश्चन है, इन अ सिंपल एपिसाइक्लिक गियर सेट द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टार्क इन रिवर्स इज ऑलवेज द, इसका आंसर हो जाएगा रिंग गियर। क्वेश्चन है, द सेंट्रल गियर इज ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर सेट इज कॉल्ड अ। एपिसाइक्लिक गियर सेट के केंद्रीय गियर को निम्नलिखित कहा जाता है। ये आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें से एपिसाइक्लिक गियर सेट के केंद्रीय गियर को, मतलब सेंटर जो सेंट्रल गियर है उसको क्या कहा जाता है, उसका इसका आंसर है सन गियर। सन गियर कहा जाता है। द सेंट्रल गियर ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर सेट इज कॉल्ड सन गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट अलाउज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इज द, मतलब टॉर्क कन्वर्टर का घटक जो टॉर्क के गुणन की, टॉर्क के मल्टीप्लीकेशन की अनुमति देता है, उसका आंसर है स्टेटर। स्टार्टर जो होता है वो टॉर्क कन्वर्टर का घटक है जो टॉर्क के गुणन की अनुमति देता है, टॉर्क के मल्टीप्लीकेशन के लिए अनुमति देता है। क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट अलाउज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इज द, इसका आंसर है स्टार्टर। द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट ड्राइव्स द ऑयल इज द, तेल को चलाने के लिए चलाने वाले टॉर्क कन्वर्टर का घटक है, इसका आंसर है इंपेलर। कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट ड्राइव्स द ऑयल इज द, इसका आंसर है इंपेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन अ टॉर्क कन्वर्टर इज अबाउट, एक टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो के बारे में कितना होता है, मल्टीप्लीकेशन रेशियो टॉर्क कन्वर्टर का, इसका आंसर है 2.5। द मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन अ टॉर्क कन्वर्टर इज अबाउट, इसका आंसर 2.5। टॉर्क कन्वर्टर में जो मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो होता है वो 2.5 होता है, इसका आंसर। क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन अ टॉर्क कन्वर्टर इज अबाउट, इसका आंसर हो जाएगा 2.5। द कंपोनेंट of the torque converter that redirects the flow of oil to impeller is, torque converter का घटक जो प्रेरित करने वाले को तेल के प्रवाह को पुनर्निर्देशित करता है, इसका आंसर है स्टार्टर। But the component of the torque converter that redirects the flow of oil to impeller is called starter. Torque converter में जो जो oil होता है, flow of oil होता है, वो impeller में जो direct convert करता है उसको बोलते हैं starter. क्वेश्चन है, इन अ टॉर्क कन्वर्टर मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन ऑक्युर्स एट, एक टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, निम्न पर होता है, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप, स्टॉप हो जाता है। इन अ टॉर्क कन्वर्टर मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन ऑक्युर्स एट स्टॉप, मतलब एक टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन में निम्न पर होता है, क्या स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लेड्स आर इन अ टॉर्क कन्वर्टर हैव अ शेप व्हिच इज, एक टॉर्क कन्वर्टर में ब्लेड का एक आकार होता है, क्या किस टाइप का आकार होता है टॉर्क कन्वर्टर में ब्लेड का आकार, इसका आंसर है कर्व्ड, कर्व टाइप का होता है। द ब्लेड्स ऑफ अ टॉर्क कन्वर्टर हैव अ शेप व्हिच इज, इसका आंसर हो जाएगा कर्व्ड। एक टॉर्क कन्वर्टर में ब्लेड का एक आकार होता है, कर्व टाइप का आकार होता है, इसका आंसर हो जाएगा कर्व्ड। इस तरीके से हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ट्रांसमिशन सेकंड का एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।